वो रिटायरमेंट के समय पहुंचते हैं वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, और आप सीधे मोदी जी के पसंदीदा व्यक्तियों को या कहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको या कॉरपोरेट से जो लोग हैं उनको आप सीधे लेटरल एंट्री के मार्फत वहां भेज रहे हैं। उनको डाटा के अलावे कोई सकारात्मक विचार आता है क्या? सरकार तो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है, गलत करने वाले का घर भी ढहा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव भी लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लिख रहे हैं, और जब भी मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बिहार में कितने घटनाएं घट रही हैं। देखिए, एनडीए के जो लोग हैं, जो बिहार सरकार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से सवाल पूछा गया है। उतना ही नहीं, लेटरल एंट्री को लेकर भी अब घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग भी विरोध करने लगे, चिराग पासवान हो या फिर कई अन्य नेता हो। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि जब सवाल किया गया है माले के नेता संदीप सौरभ, देखिए शिक्षा विभाग को लेकर भी सवाल पूछा गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर भी संदीप सौरभ जो माले के विधायक हैं लगातार सवाल उठाते रहते हैं और लगातार सवाल भी पूछते हैं। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात किया है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और विधायक संदीप सौरभ से। देखिए किस तरीके से संदीप सौरभ हो या फिर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हो, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, जो संदीप सौरभ हैं, विधायक हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट है, मोदी जी अपने जो करीबी लोग हैं उनको ऊंचे पद पर बैठाना चाहते हैं। क्या कुछ करें संदीप सौरभ और क्या कुछ करें विजय कुमार सिन्हा, पहले आप वो सुने। देखिए, लेटरल एंट्री जो है वो सीधे सीधे बीजेपी के लोगों को आईएएस बनाना, जो तमाम कॉरपोरेट के लोग हैं उनको आईएएस बनाने का शॉर्टकट रास्ता है, आरक्षण का धज्जी उड़ाने वाला एक नीति है। लेटरल एंट्री के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी संघर्ष लेटरल एंट्री के खिलाफ जारी रहेगा। चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध होना चाहिए। लेटरल एंट्री का मतलब हुआ आप कोई प्रक्रिया नहीं अपनाए और सीधे डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, जिस पर एक आईएएस रिटायरमेंट के बाद पहुंचता है, वहां पे आप सीधे किसी कॉरपोरेट को या मोदी जी के पसंदीदा व्यक्ति हैं उसको सीधे आप पहुंचा दे रहे हैं, तो इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। शिक्षक है वो एस सिद्धार्थ से भी नाराज है और कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग में तो लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है, पुराना हिसाब किताब करते हुए तब दुरुस्त करना पड़ेगा, इतना ही हम कहेंगे। बहुत पुराना कहानी है लेटरल एंट्री के अंदर। लेट बीजेपी सरकार अपने लोगों को सीधे सीधे अलग अलग विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाई। जो आईएएस रैंक के लोग हैं वो रिटायरमेंट के समय पहुंचते हैं वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, और आप सीधे मोदी जी के पसंदीदा व्यक्तियों को या कहिए कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको या कॉरपोरेट से जो लोग हैं उनको आप सीधे लेटरल एंट्री के मार्फत वहां भेज रहे हैं और देश के नीतियों के ऊपर अपना कब्जा कर रहे हैं। ये गलत चीज है, इससे आरक्षण का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इतना ही हम कहेंगे। एकदम विरोध होना चाहिए, देश के हर नागरिक को विरोध करना चाहिए लेटरल एंट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको डाटा के अलावे कोई सकारात्मक विचार आता है क्या? इस डाटा के पीछे किन लोगों का हाथ है वो भी जारी करें ना, किस दल से जुड़े लोग हैं। सरकार तो काम कर रही है, एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है, गलत करने वाले का घर भी ढहा जा रहा है। सरकार पूरी बातों को संज्ञान में लिया है और पूरी नजर में है। सर, बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए कार्रवाई उसकी कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, वहाँ की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में दबाव में रहती है, अपराधी का मनोबल चरम पर पहुंचा हुआ है और सरकार जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाएगा
जनता को सरकार पर विश्वास नहीं बन पाएगी। इंडी अलायंस के लोगों से पूछिए, उनको मणिपुर याद आता है लेकिन बंगाल याद नहीं आता है। बिहार के अंदर घटना घटित होता है, सरकार एक्शन लेती है। मैंने मुजफ्फरपुर में 15 अगस्त को ही एसएसपी और डीएम को बैठा करके त्वरित एक्शन और कार्रवाई के लिए हमने आदेश दिया था, और यहाँ एक्शन दिखाई भी पड़ता है। और कौन लोग हैं अपराध करने वाले? राजद से जुड़े लोगों की मानसिकता पर राजद के लोग मौन क्यों हो जाते हैं? अपराधी किसी जाति और पार्टी का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी के विरुद्ध हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए। तो अभी आप संदीप सौरभ और विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, अपराध की बात हो या फिर शिक्षा विभाग को लेकर बात हो, तमाम सवाल पूछे गए थे। देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उतना ही नहीं, संदीप सौरभ विधायक हैं, लगातार शिक्षक की मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार स्टूडेंट के मुद्दों को उठा रहे हैं। और जब सवाल किया गया, क्योंकि पिछले दिनों गर्दनी बाग में जो तमाम शिक्षक है वो पहुंचे थे, किस तरीके से पंचायत का कार्यक्रम कर रहे थे और पुराने पेंशन की भी मांग कर रहे थे, उस दौरान किस तरीके से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन पर मनमानी करने का आरोप भी जो शिक्षक हैं वो लगा रहे थे। अब देखिए, जब सवाल किया गया है संदीप सौरभ से तो वो बड़ी जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब करना होगा। पर तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, तमाम सवालों को लगातार उठा रहे हैं। बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, क्या मंगल राज है? देखिए, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी लगातार जो सरकार के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता लगातार घेर रहे हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव या लालू यादव। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और विधायक संदीप सौरभ से सवाल किया गया है। किस तरीके से विधायक संदीप सौरभ जवाब दे रहे थे, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है कि किस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।